हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहेल की रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स मेल, छत्तीसगढ़ की फेमस मेल बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए फिर बेल पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से और झटपट। भेल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ मैंने लिया है मुर्रा 1 पैकेट, इसे मुर्रा भी बोलते हैं, मुरमुरा भी बोलते हैं, राइस कॉर्न भी बोलते हैं। यहाँ लिया है मैंने धनिया पत्ती, 1 प्याज मैंने बारीक काट लिया है, 3 मैंने हरी मिर्च लिया हुआ है, यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया हुआ है उसे बारीक काट लिया है, यहाँ मैंने मूँगफली उसे भूंज के छिलका इसका उतार लिया है मैंने, और यहाँ मैंने लिया है सेव 1 कटोरी, यहाँ मैंने लिया है इमली का चटनी। इमली का चटनी आप फ्रेंड्स कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जैसे जीरा डाल दिए उसके बाद फिर इमली को मैश करके उसको डाल दीजिए, चटनी अच्छे बन जाती है। यहाँ मैंने लिया है मसाला, मसाला मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। यहाँ मैंने लिया है दही 2 चम्मच, हरी चटनी मैंने लिया है, इसे मैंने घर में बनाया हुआ है। हरी चटनी में आपको सिर्फ धनिया पत्ती और लहसुन और हरी मिर्च इन तीनों को पीस कर चटनी बनाना है। यहाँ मैंने लिया है उबला हुआ आलू 2, उसे मैंने छोटे आकार में काट लिया है छील के। तो चलिए अब बेल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें डालेंगे हम प्याज, प्याज हम थोड़ा बचा के रखेंगे, आखिरी में हमें गार्निश करनी है, इस तरह से थोड़ा बचाएंगे। धनिया पत्ती भी हम आधा डालेंगे, थोड़ा बचाएंगे इस तरह से। यहाँ डालेंगे हरी मिर्च, अब यहाँ डालेंगे हम मसाला, मसाला में लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मुरहा में भी नमक रहता है, तो इसीलिए हम कम डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब डाली हूँ मैं यहाँ पास। अब यहाँ डालेंगे हम मूंगफली के दाना, अब ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। आप जब भी बेल बनाएं तो कोई बड़े बर्तन में ही बनाएं जिससे मिलाने में आसानी होती है। इस तरह से हमें मिलाना है, इसको अच्छे से मिला लें, बहुत ही अच्छी बनती है ये घर में भी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप बेल बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, ये जो मैंने काट के रखा हुआ था इसको भी डाल देना है हमें, अब फिर हम अच्छे से मिला लें। इसे हमें तुरंत बना के तुरंत खाना होता है क्योंकि इसमें गीली चटनी डालते हैं तो तुरंत मुरहा हमारा मॉइस्चर से ख़राब होने लगता है, इसलिए तुरंत बनाना और तुरंत खाने वाला रेसिपी है। इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर भी थोड़ा, इतना टमाटर हमने बचाया है लास्ट में डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी चटनी, अब इसको भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, इसको बनाने में ज़्यादा देरी नहीं करना है, फटाफट बनाना है क्योंकि इसमें गीली चटनी हम डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे इमली की चटनी, इमली की चटनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ इस तरह से, फिर इसको मिक्स कर दें हम इस तरह से। बहुत अच्छी हमारी बेल बन रही है, आप देख रहे होंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, दही अगर आप नहीं चाहते, नहीं खाना चाहते तो दही ना डालें, उससे इसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आने वाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, आप देख रहे होंगे हमारी बेल बनकर एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही झटपट बन जाती है ये, इवनिंग के नाश्ता के लिए बहुत ही अच्छी है ये। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ एक प्लेट में। अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, मेरे पास वो कागज़ वाली प्लेट नहीं है जो ठेले पे मिलती है, इसलिए मैंने इसी में निकाल रही हूँ। इस तरह से हमें निकालना है, इस तरह से मैंने प्लेट,
इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सजा देते हैं इस तरह से। ये मैं सेव डाल रही हूँ इस तरह से, हमें डाल देना है। बहुत ही अच्छी हमारी वेल बन रही है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर ऊपर से इस तरह से डालना है। इसमें डालेंगे हम इमली की चटनी। वाह, बहुत अच्छा बनना है हमारा बेल। अब इसमें डालेंगे हम प्याज ऊपर से इस तरह। अब डालना है धनिया पत्ती थोड़ा ऐसे। आप जरूर एक बार घर पर ट्राई करें, इस तरह से बना के देखें। छत्तीसगढ़ की फेमस बेल है, आपको आनंद आ जाएगा खाने में। अब इसे जल्दी ही खाना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। और बहुत ही अच्छी बेल बनी है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की मेरी रेसिपी और ये बेल पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।